लोकसभा चुनाव को देखते हुए करौली जिले में 6 मतदान केंद्रों में सिर्फ महिलाएं ही चुनाव की कमान संभालेंगी और इसके लिए महिला अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टोडा भीम, सापोटरा और हिंडौन में महिलाओं के लिए एक एक मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है और इन केंद्रों पर महिला ही पीठासीन अधिकारी और महिला ही सुरक्षा कर्मी केंद्रों पर मौजूद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 420 कर्मचारी रिजर्व में रखे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नन्नू पहाड़िया ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी आदर्श मतदान केंद्र और महिला मतदान केंद्र बनाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सरकार जयपुर ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान और इस बार लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान आदर्श मतदान केंद्र और महिला मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हमने चारों विधानसभा क्षेत्रों में 6 आदर्श मतदान केंद्र और 6 महिला मतदान केंद्र